देश 3 मई तक लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन के चलते मधुमक्खी का पालन करने वाले लोग गंभीर हालात से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो काम ठप होने का दुख है, तो वहीं दूसरी तरफ भूख से मर रही मधुमक्खियों को बचाने की चुनौती। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के लीची के बागान में मधुपालन का काम मार्च के महीने में शुरू हो जाता है और अप्रैल के पहले हफ्ते तक रहता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मधुपालन अभी भी लीची बागान में फंसे हुए हैं और यहाँ मधुमक्खियों को खाने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो मर रही हैं। कैसा लॉकडाउन में असर पड़ा है इसपे? सर, लॉकडाउन में अभी इसको कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने लायक। ये अभी चीनी उड़ खा कर रहता है। मेन बात अभी पोलन उड़ कुछ नहीं मिल रहा है। मकई उड़ था, मकई उड़ भी यहाँ से खत्म हो गया है। मेन बात लीची था तो लीची तो यहाँ से खत्म हो गया। लीची में अब सब में दाने धर लिया है। अब यहाँ से बक्सा जाने वाला भी था तो बक्सा, मेन बात लॉकडाउन चल रहा है, इस चलते एक जिला से दूसरे जिला नहीं। कितने डब्बे थे? लमसम था वही 300-350 करीब, तो वही लमसम सर यहाँ लमसम मर गया। लमसम मर गया और मछली लमसम 210-220 के करीब है अभी बचा हुआ है। अब लगा कैसे भजन भरण पोषण हो रहा है अभी? तो सर क्या गोरा से थे आप? कितने लोग थे? लमसम 3 आदमी थे। तो अभी एक आदमी घर चल गया, अभी 2 आदमी है, 1 आदमी और गया है गाँव में। अब यहाँ से कहाँ जाने वाले थे आप लोग? यहाँ से तो जाने वाले थे दरभंगा से, दरभंगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया। आपको बता दें कि मधुमक्खी का पालन करने वाले लोग अपनी मधुमक्खियों के लिए दूसरे राज्य जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है। न्यूज़ डेस्क।